الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله آج تقریر سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ محدث اعظم کی نسل میں خطیبوں کی کمی نہیں ہوگی۔ بھارت کو ایسے رتن کی ضرورت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور بھوشیہ میں رہے گی۔ یہ بھارت ہم نے بنایا، اللہ نے تو دنیا بنایا، لکیریں ہم نے بنائی، سرحدیں ہم نے بنائی، الگ الگ چھیتروں کے الگ الگ نام رکھے، لیکن جب اللہ نے بنایا تو صرف دھرتی بنایا، آکاش بنایا، پاتال بنایا، برمانڈ بنایا، پوری سرشت کی رچنا کیا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، دنیا پہلے بنی، سب سے لاسٹ میں آدمی بنا۔ اور یہ ہم اکثر کرتے ہیں، مکان پہلے بناتے ہیں، مالک بعد میں آتا ہے۔ جب مکان بنتا ہے تو انجینئر چاہیے، آرکیٹیکٹ چاہیے، لیبر چاہیے، سریا چاہیے، سیمنٹ چاہیے، کنکریٹ چاہیے، ان کا موقع ہوتا ہے۔ اور جب وہ مکان بن جاتا ہے تو مالک پرویش کرتا ہے۔ تو پہلے اللہ نے دنیا بنایا، جنت بنایا، جہنم بنایا، پشو بنائے، پکشی بنائے، جنگل بنایا، پہاڑ بنایا، ندیاں بنائی، پھر جنت سے اس کے مالک کو بھیجا گیا۔ اور آدم، جن کی سب اولاد ہیں، یہ مت بھولنا، بابا دادا تک معلومات ہے، اسی لیے بٹ گئے۔ میرے ابا کے ابا، ان کے پتا کے پتا، فل اسٹاپ۔ مگر آدم سب کے باپ، اور اسی لیے ہمارا نام آدمی ہے۔ جو آدم کی اولاد ہے وہ سب آدمی ہیں، اور جو آدم کی اولاد نہ مانے آدمی نہیں ہے۔ کوئی کہے ہمارا آدم سے کوئی لینا دینا نہیں، تو جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا بندہ آدمی نہیں ہے۔ لیکن وہ واقعہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کون انسان آیا۔ حضرت آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے قدم دھرتی پہ رکھا، لیکن وہ تو جنت میں تھے۔ ان کی بیوی، سب کی دادی، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا،
और हजरत आदम अलैहिस्सलाम दोनों मियाँ बीवी जन्नत में थे। अब इतनी बड़ी जन्नत दो के लिए तो नहीं बनी थी। आदम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले से लेकर कयामत तक जितने ईमान लाने वाले हैं, अरबों खरबों हैं ना, सब जन्नत में सेट हो जाएंगे। जगह इतनी बड़ी है तो जहां अरबों खरबों लोगों को जन्नत में रखा जा सकता हो, वहां सिर्फ दो आदमी कैसे रहेंगे? जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होते। अब ये दोनों अगर हमेशा रहते तो दो ही रहते, कि ये जन्नत भरेगी कैसे? धरती पर आवे ताकि बच्चों का जन्म हो। तो वजह क्या बनाई जाए? बिना वजह तो कोई काम होता नहीं, तो अल्लाह ताला ने एक वजह बनाई। आदम, पूरी जन्नत तेरे लिए है, बस इस झाड़ के पास जाना मत, खाना मत। ला तक़रबू हाज़िही शजरा, ये जो शजर है इसका एक दाना भी मुंह में रखना मत। इतनी बड़ी जन्नत में जो चाहो खाओ पियो, कुलू वशरबू, खाओ पियो, क्या जरूरत है वो एक दाने की? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाएंगे नहीं, और जब खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, और बाहर जाएंगे नहीं तो औलाद होगी नहीं। खाना जरूरी, पर कैसे खाएं? वो तो अल्लाह के नबी हैं, मासूम है, खलीफतुल्लाह ही लाजम है। अल्लाह की नाफरमानी कर नहीं सकते। अब अल्लाह की हिकमत है, जन्नत को बसाना है, आदम को बाहर जाना है और किसी तरह खिलाना है, ताकि वही बहाना है। और आदम मासूम है, मासूमियत खाने नहीं देगी, तवज्जो, मासूमियत खाने नहीं देगी। तब अल्लाह की रहमत ने आदम के जहन पर एक पाकीजा गफलत का पर्दा डाल दिया, ताकि गफलतन ये खाने हिकमतन में जमीन पर भेज दूं। जो लोग कहते हैं आदम ने खता किया, आदम ने गलती किया, खा करके गुनाह किया, बकवास करते हैं। उन्हें पता नहीं कि आदम की खता नहीं, आदम की अदा है। सारी दुनिया की इंसानियत उस अदा पे कर्जदार है, क्योंकि अगर आदम ने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। ना आदम आते, न शीश पैदा होते, न नूह पैदा होते, न मूसा पैदा होते, न ईसा पैदा होते, न मोहम्मद अरबी पैदा होते, न गौसे आजम पैदा होते। ये उसी खाने की बरकत है। अब सवाल ये है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा, धरती पर भेजा, तो एरिया कौन सा था? देश तो था नहीं, न देश था और न ही कॉन्टिनेंट थे, महाद्वीप भी नहीं था। पेड़ थे, पौधे थे, पक्षी थे, पशु थे, पहाड़ था, दरिया था। ना अरब था, ना अजम था, ना हिंद था, ना सिंध था, लेकिन कदम का निशान तो है। आज जब पता लगा कि जहां आदम ने कदम रखा वो उपमहाद्वीप भारत, इसीलिए हम सर फिरे अरबों से डरते नहीं,
पहला इंसान सारे मानव जात का दादा पूर्वज, उसने जो कदम रखा वो भारत की धरती पर रखा, उपमहाद्वीप भारत पर रखा। तो ये आदम अलैहिस्सलाम के चरणों का प्रताप है कि आज हम कह रहे हैं मेरा भारत महान। ये कदमे नबी की बरकत है, हमारी जुबान में जो ये हरकत है। और एक बात और बताता चलूं, जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पर कदम रखा, हिंदुस्तान, पुराना हिंदुस्तान कदम रखा, तो अकेले नहीं थे। तवज्जो चाहूंगा, अकेले नहीं थे। आदम के जिस्म में नूरे मोहम्मदी भी था। तो नूरे मोहम्मदी ने पैकरे आदम में जहां जलवा नुमाई की, वो हमारा हिंदुस्तान है। अब हम समझ गए ये अल्लाह के वलियों को हिंदुस्तान पसंद क्यों, सब अपना वतन छोड़ छोड़ के चले आ रहे हैं। कोई सिमनान से आ रहा है, कोई बुखारा से आ रहा है, कोई समरकंद से आ रहा है, कोई संजर से आ रहा है, कोई बगदाद से आ रहा है, कोई हम्मा से आ रहा है। या अल्लाह, ये भारत इतना महान कि सारे वली मेहरबान यही ख्वाजाए ख्वाजगान वही जाने हिंदुस्तान। तो अब पता चला कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, क्योंकि मेरे नबी को हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू पहले ही नजर आ रही थी, पहले ही महसूस हुई थी। अब वो नूर चला, तो वो नूर जिस मर्द की पीठ से, जिस औरत के रहम से गुजरा, न कोई मर्द कुफर वाला था, न कोई औरत कुफर वाली थी। पुश्तहाए मुबारका अरहामे तैयबा से मुंतकिल होता हुआ मखदूमा आमिना के आंगन में जलवागर हुआ। वो नूर जो आजम से चला, वो आकर के हजरत आमिना के आंगन में जलवागर हुआ और उसका फैजान शुरू हो गया। एक तो वही जो इस स्टेज पर सादात बैठे हुए हैं ना, इनकी एक खसूसियत बयान करके फिर सैयदुस सादात पर आता हूं। हर सैयद की ये खसूसियत है कि उससे लेकर आदम तक कोई बाप काफिर नहीं है। अभी हमने पूछा, आप जी मैं अफगानिस्तानी हूं, ठीक है ओके, और क्या कबीला यूसुफ जई से हूँ, ओके, आपके अब्बा, अब्बा के अब्बा, उसके अब्बा, आगे पता नहीं। यही हालत तो पूरे गुजरात के मुसलमानों की है। एक सैयद है, मैं अपनी मिसाल लूँ, मुझे पता है एक एक नाम, मेरे फादर कौन है नाम मालूम, उनका फादर, उनके फादर, उनके फादर, उनके फादर गौसे आजम तक, गौसे आजम के फादर, उनके फादर के, उनके फादर इमाम हसन तक, उनकी माँ फातिमा ज़हरा, उनके फादर रसूल पाक, एक भी काफ़ी नहीं। और रसूल पाक से लेके हजरत आदम तक कोई काफ़ी नहीं। इसलिए औलिया कराम एहतराम सादात का सबक सिखाते हैं, ये हमारे जिस्म का अदब नहीं है, उस नूर की निस्बत का अदब है। वही नूर
अली में, फातिमा जहरा, फातिमा जहरा में, हसन हुसैन में, वही नूर इमाम ज़ैनुल आबदीन में, वही नूर चलता हुआ गौसे आज़म में। एक बात तो ये, और दूसरी मैं आपको बताऊं जिससे आपको कुछ प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने का मौका मिले। बहुत से नौजवान गुजरात में मुझसे मिलते हैं और इलाकों में, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत सारे नौजवान युवा शक्ति मिलती है, और अलग अलग रंग के नौजवान मिलते हैं। किसी का वर्ड्स अप है, किसी का वर्ड्स डाउन है, कोई बड़ा शरीफ है, कोई बड़ा बदतमीज है। ये भांति भांति के लड़के कैसे हैं? ये युवा, ये बुजुर्ग लोग, ये आवाम, ये जनता जनार्दन कैसे पैदा हुए हैं, कैसी परवरिश हुई है, कैसा लालन पोषण हुआ है, समझ में नहीं आता। आओ मैं तुम्हें एक नौजवान के करीब ले चलूं। जवानी की मस्ती है, शबाब छलक रहा है, चेहरा चमक दमक रहा है, कड़ियल जवान, परफेक्ट यूथ। न जाने कैसे चलते 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 एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जो शहर से बहुत दूर, उसे लगी भूख। जवान को भूख लग जाए तो ना दाएं देखेगा ना बाएं देखेगा, झपटेगा। अब भूख है और जंगल में फंसे हुए हैं, जाएं तो जाएं कहां, खाएं तो क्या खाएं। इतने में उनको ये दिखाई पड़ा कि नदी में एक सेब जो है बहता हुआ आ रहा है। बहता हुआ सेब आया, धुला धुलाया, हाथ लगाया, मुंह लगाया, खा गए। भूख में सोचा नहीं, और भूख में सोचता कौन है, कॉमन सेंस, भूख की शिद्दत, आसानी से मिला सेब, खा गए। खाने के बाद जब सेब ने असर दिखाया, शांति आई, नॉर्मल हुए, तब सोचा बिना इजाजत मैंने खाया है, ये तो हराम है। कोई नौजवान हराम पर ध्यान देता है चाहे कितना ही नॉर्मल हो? सीखो, गफलतन उजलतन कुछ खा लिया तो ये ख्याल आना कि मैंने मालिक से ना तो इजाजत लेके खाया और ना खरीद के खाया, ये मेरा माल नहीं था, मैंने खा लिया, मुझसे गुनाह हो गया, पाप हो गया, इस पाप का प्रायश्चित जरूरी है। मन ही मन में खौफे खुदा खशियते इलाही फियर ऑफ अल्लाह, जब उसने रंग दिखाया तो सोच में पड़ गए कि जितनी जल्दी हो पेट में गए हुए सेब को हलाल बना लिया जाए। तरीका देखिएगा, पेट में चला गया है, अब हलाल कैसे बनाया जाए? क्योंकि पेट में जब कोई फल जाता है तो फौरन खून नहीं बनता, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है,
डाइजेशन की क्रिया शुरू हो जाती है, पाचन क्रिया, पेट में उसे हजम करने के लिए एक लिक्विड आता है जो पेप्सिन को पेप्टोन में बदलता है। जब उस मरहले से वो गुजर जाए तब वो सारा माल जो है आंतों में जाता है, तो इंटेस्टाइन उसे अब्जॉर्ब करती है, सकिंग करती है, चूसती है, और जो लिक्विड उसमें बाहर हो जाता है वो लिक्विड जो है वो किडनी के पास भेजा जाता है, और इसमें टाइम लगता है, फिर किडनी उसको प्यूरिफाई करती है, और जो उसमें एक्स्ट्रा है उसको यूरिनल में डाल देती है, और जो माल है, विटामिन है, प्रोटीन है, उसको लीवर के पास भेज देती है। इसमें टाइम लगता है, फिर लीवर उसको ब्लड बनाता है, जब ब्लड बन जाता है तो लीवर उसे दिल के पास भेज देती है, और दिल उसको प्यूरिफाई भी करता है और सर्कुलेट भी करता है। इसमें 3-4 घंटा लगता है, मगर वो नौजवान सोच रहा है कि इससे पहले कि ये सेब खून में हराम बने मैं इसे हलाल बना लूं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। फिर उसने देखा कि सेब तो उधर से आया है, और गौर से देखा तो सेब का झाड़, उसकी कुछ शाखें दरिया की तरफ, हो सकता है उसी में कोई चपक गया हो और बहकर इधर आ गया हो, तो वो अपनी जान को खतरे में डालकर तैरते हुए उस दरिया को पार किया कि बाग के मालिक से जल्दी मिलूं और मिलकर माफी मांगूं। बड़ी उजलत के साथ पार करके दरिया के उस पार गए और जाकर के बाग में घुसे तो देखा एक बुजुर्ग ज़ईफ, हमारी भाषा में बूढ़ऊ मिले, जाके सलाम किया और पूछा, हजरत ये बाग आपका है? कहाँ का, ये जो झाड़ है सब आपके हैं? उसमें एक झाड़ है जिसकी शाखें नदी की तरफ झुकी हुई, हाँ, उसी में से एक फल टूट करके गिर गया। कहा गिरता है, फिर बह करके उधर चला गया। कहा होता है ऐसा, पर हुजूर मैंने उसे खा लिया है, तो इससे पहले कि वो खून बने मेरे बदन में आप मुझे माफ कर दें, अल्लाह अल्लाह, और उजरत में बदले में जो आप कहेंगे करूंगा। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। एक सेब जो गलती से उजलतन गफलतन खाया था उसके लिए कह रहे हैं आप माफ कर दीजिए, मुझसे जो चाहिए नौकरी करा लीजिए, चाकरी करा लीजिए, कोई भी काम बताइए मैं करने को तैयार हूं। बुढ़ऊ ने तजर्बे की आंख से देखा, वाह 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 वाह, बहुत खूब। उस ज़ईफ बुजुर्ग ने अपने एक्सपीरियंस्ड आईज, तजर्बे की आंख से देखा, अल्लाह अल्लाह, कड़ियल जवान, इतना खौफे खुदा। सुभान अल्लाह, दरिया पार कर जान को जोखिम में डालकर आया और कह रहा जो चाहिए बदले में काम करवा लीजिए, हर उजरत के लिए मैं तैयार हूं, पर माफ कर दीजिए। उन्होंने देखा ये तो कोई स्पेशल माल है। सुभान अल्लाह, ये कोई स्पेशल वेल क्वालिफाइड है, इसी उम्र में अल्लाह से इतना डरता है। वाह वाह, जब इब्तिदा का ये आलम है तो इंतहा। सुभान अल्लाह, उनका एक शर्त में माफ करूंगा, हर शर्त मंजूर है, का तुमको मेरी बेटी से निकाह करना होगा। जी मैं तैयार हूं, मगर आप पहले माफ कीजिए, खून बनने ना पाए। कहा मैंने माफ किया, तू मेरी बेटी से शादी करेगा? हाँ करूंगा। एक अनजान मर्द की बेटी से सिर्फ इसलिए वो शादी करने को तैयार हो रहा है कि उसकी खता खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो, एक सेब खा लेने को आप अहमियत नहीं देते, मगर वो मर्द
वो मर्द सौले, वो परहेजगार खौफे खुदा वाला जवानी में अल्लाह के डर से अनजान लड़की से शादी को भी तैयार हो गया। यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। वो ज़ईफ बुजुर्ग ने कहा, मगर सुनो, मेरी बेटी जो है अंधी है। अच्छा, बहरी है। अल्लाहु अकबर, उसी से निकाह करना। लंगड़ी भी है, यानी सिर्फ वो एक लड़की है जो गठरी है, जहाँ रख दो। अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है। एक सेकंड तो सोचा, लेकिन जब गुनाह याद आया तो कहा, ये गुनाह खत्म हो, चाहे मुझे अंधी से शादी करनी पड़े, गूंगी, बहरी, लूली, लंगड़ी औरत हो, उससे मेरी दुनिया खराब होगी, अगर माफ ना हुआ तो मेरी आखिरत खराब होगी। अल्लाह अल्लाह, दुनिया की बर्बादी गवारा की जा सकती है, आखिरत की बर्बादी नहीं। क्या आज कोई नौजवान अपने गुनाहों के प्रायश्चित के लिए अंधी लूली लंगड़ी औरत से शादी करेगा? क्या हक पहुंचता है आपको उस मर्द के जिक्र का जो मर्द ऐसा हो? क्या हक पहुंचता है आपको? और दूसरी बात, तैयार हो गए, निकाह हो गया, मुतमईन इस बात से हो गए कि वो गलती से जो एक सेब खाया था वो माफ हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब निकाह के बाद जब कमरे में जाए गए तो उन्हें तो पता था अंधी है, बहरी है, न देखेगी न सुनेगी, लेकिन सुन्नत है कि कमरे में जाओ तो सलाम करो। सुन्नत रसूल को अपनाते हुए जैसे ही वो अंदर गए, कहा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद नहीं था जवाब का, मगर सुन्नत, अहले सुन्नत थे ना तो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत का, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने कहा, वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे घबरा गए कि न बहरी है न गूंगी है, मेरा सलाम भी सुन लिया, जबान से जवाब दिया, कमरे से भागे, कहीं दूसरी लड़की के पास तो नहीं आ गया। एक सेब से छुट्टी मिली, यहां तो कोई गलती नहीं हो जाएगी, तो इसकी माफी कहां मांगूंगा। भागे हुए उसी ज़ईफ बुजुर्ग के पास आए जो अब उनका ससुर है, जो अब उनका फादर इन लॉ है। बोले, ससुर जी, आपने किस कमरे में मुझे भेज दिया? वो तो देखती है, वो तो सुनती है, वो तो बोलती है। वाह वाह, आपने तो मेरी शादी उस लड़की से किया है जो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लूली है, लंगड़ी है। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही झलक मैंने देखा तो ऐसा लगता था कि बहिश्त ने अपने हुस्न को कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, हूरों का हुस्न सिमट गया हो उस रुखसार पर, ऐसी लड़की से बना निकाह तो नहीं हुआ। तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा, वही तेरी बीवी है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, वही तेरी मनकूहा है, उसी से तेरा निकाह मैंने किया है। और सुन, अब यहां तवज्जो चाहूंगा, ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा, जबरदस्त तकरीर आप सुन चुके हैं, कंक्लूजन करके चला जाऊंगा। सुनो, मैंने तुमसे जो कहा था कि मेरी बेटी अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है, तो इसलिए नहीं कहा था कि जिस्मानी तौर पर वो ऐसी है, बल्कि मैंने इसलिए कहा था, जब से पैदा हुई और जवान हुई उसने हराम देखा नहीं। सुभान अल्लाह, अंधी है,
हराम सुना नहीं इसलिए बहरी है, हराम कदम उठाया नहीं इसलिए बहरी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदान गौसे आजम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार गाजी मिल्लत, सरकार गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत। जब मर्द में अल्लाह का खौफ ऐसा हो और औरत इतनी पवित्र हो, हराम देखा नहीं, हराम सुना नहीं, हराम बोली नहीं, हराम उठाया नहीं, हराम कदम उठाया नहीं, जब ऐसा मर्द और ऐसी औरत इकट्ठा हो तब गौसे आजम का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे नबूवत, खानवादे गौसे आजम, वालिदैन सरकार गौसे आजम, सरकार गाजी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर वाले सुन्नियों का शेर आए, और ये बात एक करामत गौसे आजम की बयान की जाती है। ये सज्जाद मियां साहब, आपको नजर कर रहा हूं, एक करामत बयान की जाती थी, एक चोर घर में घुसा, गौसे आजम ने सीने से लगा लिया, उसे अब्दाल बना दिया। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। गौसे आजम के घर में गया और चोरी के लिए वली बन के आया, बड़ी करामत बयान कर दिया। करामत तो है मगर समझ में आती है, करामत तो है। एक बात बताओ यार, जिस घड़े में पानी हो हाथ डालोगे क्या हाथ लगेगा, और जिस घड़े में दूध तो क्या हाथ लगेगा, झपट्टा मारोगे क्या मिलेगा, और जिस बर्तन में मध हो झपट्टा मारोगे तो शहद मिलेगी ना। तो गौसे आजम के घर में विलायत है, हाथ मारोगे तो विलायत ही मिलेगी। लेकिन पूरा वाकया यूं है कि एक मुरीद बनने के लिए, बहुत सारे लोग मुरीद बनना चाहते हैं ना, जो सामने आया आसानी जहां हुई वहीं हो गए, किसी को तलाश होती है मुरीद बनना है, रसूल पाक से कनेक्ट होना है, तो जिनकी खिलाफतें रसूल पाक से कनेक्ट हों उन्हीं से हो जाओ, हम भी कनेक्ट हो जाएंगे, और अगर औलाद मिल जाए तो सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा। ढूंढते रहते अपने अपने हिसाब से। आप मुरीदों को देखिए, फिर उनके पीरों को देखिए, मुरीदों की पसंद मालूम हो जाती है। आप पीरों को देखिए, मुरीदों को देखिए, पीरों की पसंद मालूम हो जाती है। अब उसी में एक बहुत ही कॉमन आइडियोलॉजी का बंदा, अजीब मानसिकता, बहुत पीर ढूंढा नहीं मिला, भले गौसे आजम के जमाने में पीर ढूंढ रहा है नहीं मिला, अब हजरत अली के जमाने में कोई पीर ढूंढे और ना मिले तो मुरीद की गलती है ना। गौसे आजम के जमाने में उसे पीर नहीं मिल रहा, थक गया वो, बंबई की बोली में कंटाल गया, और अपने रब से एक वादा किया उसने, ए अल्लाह मैं शहर के गेट पर बैठ गया हूँ, जो सुबह सुबह जो पहला आदमी वो मगरिब की नमाज ऐशा की नमाज पढ़ के बैठ गया, वहां तब चोर भी नमाज पढ़ते थे, बगदाद की ऐसी हवा थी कि चोरी करना तो उसकी मजबूरी रही हो पर वो नमाज नहीं छोड़ता, पहले सुन्नी नमाज नहीं छोड़ता था, अब जरा मुश्किल से पढ़ता है।
नमाज पढ़ करके बैठ गया, बोला ए अल्लाह जो पहला आदमी गेट पर आएगा मैं उसी का मुरीद बनूंगा। अबे मालिक तेरी मर्जी चाहे जैसा भेज। एक कमिटमेंट उसने खुदा से कर लिया अंदर ही अंदर, जो भी पहला आदमी रात के 12 बजे गेट पर एक चोर आया, कमिटमेंट के हिसाब से उसने पैर पकड़ लिया, मुझे मुरीद करो, तुम मेरे पीर हो, रब ने तुम्हें भेजा। अब वो पैर छोड़ा रहा है कि मैं तो चोर हूं, मुरीद कैसे बना। वो अपनी हकीकत जानता था मगर वो जिद्दी आदमी नहीं जानता था। रब ने भेजा है, आप पहला आदमी हो, रब ने से मेरा वादा था जो पहला होगा उससे मुरीद हो जाऊंगा। बोले मेरा पैर छोड़ दो, मैं इस लायक नहीं हूं। अब मैं नहीं छोड़ता, आपको रब ने सबसे पहले भेजा है, आप ही मेरे पीर हैं। बड़ा बहाना किया, मैं बड़ा गुनहगार हूं, बड़ा खताकार हूं, इसी आशियार हूं, बहुत बड़ा पापी हूं। कहा कुछ भी हूं, आप पहला आदमी है इसलिए मैं आप ही से मुरीद हूँ। अब उसने देखा यार ये 1 बज रहा है, सारी रात पकड़े रहेगा तो जो चोरी का प्लान है उसका क्या होगा, क्योंकि उसने ये देखा था कि गौस पाक का लंगर बहुत बड़ा है, जब हजारों हजार को रोजाना खिलाते हैं तो घर में बड़ा माल होगा। लंगर से गलतफहमी हो गई उसको, तब हुई थी, इन लोगों को अब हो रही है। लंगर बोलो तो जमात भाग जाती है। इतना बड़ा लंगर जरूर अंदर सोना चांदी तो हो गई, अब मुरीद करो, मुझे मुरीद बनाओ। तब उसने सोचा कि यार चोरी में ये तो गड़बड़ हो रही, चोरी नहीं कर पाऊंगा। तो अब एक्टिंग शुरू किया उसने, चोर ने, मुझे अपना पीर मानते हो, जी मानता हूं, मेरा हुक्म मानोगे, जी हर हुक्म मानूंगा, मेरा पैर छोड़ दो। और वादा करता हूं कि वापसी में तुझे मुरीद बनाऊंगा, तब वो इत्मीनान से बैठ गया, इंतजार करने लगा। चोर बगदाद में घुसा और गौसे आजम के घर में पिछवाड़े से कूदा, अंधेरे में हाथ पैर मारा टापक टोइया, कहीं चटाई टकरा गई, कहीं लोटा, कहीं लकड़ी का तक छोटा सा तख्त जमीन पर, हाथ पैर मार रहा है, माल नहीं मिल रहा है कि इसी दौरान ख्वाजा खिज्र अलैहिस सलाम बारगाहे गौसियत में मौजूदा निजाम के तहत जो दस्ते गौसे आजम में था, इत्तला दिया अब्दुल कादिर जिलानी फला मुकाम पर एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है, नए अब्दाल का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, नया अब्दाल की नियुक्ति कीजिए। तो गौसे आजम मुस्कुराए और ख्वाजा खिजर से कहा मेरे घर के कमरे में एक चोर हाथ पैर मार रहा है, पकड़ लाओ। अब ख्वाजा खिजर किसी को पकड़ने तो उसके बाप में ताकत नहीं कि छोड़ा ले, वो पकड़ आम आदमी की नहीं थी, ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, खींचा, बारगाह गौसे आजम में उसे पेश कर दिया।
गौसे आजम ने एक नजर डाली, वाह वाह, उसको पकड़ा, सीने से लगाया और लगा के छोड़ा और खिजर से कहा, इसी को उस अब्दाल की जगह पहुंचा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं इसकी नियुक्ति उसी स्थान पे कर रहा हूं, इसे वहां भेज दो। और जब वो, अब दुनिया बदल गई, चोर बनकर आया था, नूर बन के जा रहा है, जालिम बनकर आया था, आदिल बन के जा रहा है, जाहिल बनकर के आया था, आरिफ बन के वापस जा रहा है। और जब वो लौटने लगा तो गौसे आजम ने फरमाया, रुक, वो जो गेट पर इंतजार कर रहा है उसे मुरीद बना के जाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर वो उन्हें मुरीद बनाया, वादा ईफा वफा किया। तो कभी कभी चोर भी अपने किसी मुरीद के सच्ची एतकाद से वो भी आरिफ आलिम बन जाता है। वाह वाह, पीरों से मुरीद को दर्जा मिलता है तो कुछ अच्छे मुरीदों से पीर को भी दर्जा मिल जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस गौसे आजम से लगे रहो, उनकी राह पर चलते रहो, रुको नहीं, थको नहीं, गौसे आजम से अलग रहो नहीं। वाखरो दावाना अलहम्दुलिल्लाह।